सब्सक्राइब कीजिए लखेपुर टीवी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए नई अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, लखेपुर टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लखेपुरी और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आधा शीशी या माइग्रेन के चमत्कारी आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द आधा शीशी या माइग्रेन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आयुर्वेद में इसकी कई तरह की शास्त्रीय दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, पर आज जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो टोटके की तरह एक चमत्कारी प्रयोग है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। यह बहुत ही आसान प्रयोग है। इसके लिए आपको ढूंढना होगा आक का पौधा। आक या अकवन का सबसे छोटे दो पत्ते तोड़कर थोड़ा सा गुड़ में लपेटकर निगल लेना है। इसे सुबह सुबह सूर्योदय या सनराइज से पहले इस्तेमाल करना है। कई लोगों को तो इसके इस्तेमाल से पहले दिन से ही माइग्रेन का दर्द चला जाता है। 3-4 दिनों तक इस्तेमाल करने से रोग जड़ से मिट जाता है। आक का कौन सा पत्ता यूज करना है आइए इस क्लिप में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आक के पौधे के पास आया हुआ हूँ। इसका फूल दिख रहा है और पत्ता जो लेना है, दो पत्ता छोटा वाला, वो ऐसा वाला लेना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला तोड़ना है। ये जो छोटा ऐसा पत्ता है, ये दो पत्ते यहाँ पे हैं। ऐसे पत्ते आपको इसके पौधे में कई जगह पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी दो पत्ते हैं छोटे जैसे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दो पत्ता, ये छोटा वाला पत्ता को तोड़ करके यूज़ करना है। पत्ता तोड़ने के बाद दूध निकलता है सफ़ेद रंग का, जिससे बचाना है आँखों को, क्योंकि आँखों में जाने के बाद ये जलन पैदा करता है और आँखों की रोशनी में जा सकती है। तो इसका ध्यान रखें, इस पत्ते को, छोटे वाले पत्ते को, दो पत्ते को तोड़कर यूज़ करना होता है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके किसी काम आएगी और इस वीडियो से आपकी आयुर्वेदिक नॉलेज बढ़ेगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए विजिट कीजिए facebook.com/लखेपुरी। इन दो वीडियो को जो लेफ्ट और राइट में ज़रूर देखिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्किल पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जानकारी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय आयुर्वेद।